मॉर्निंग बच्चों, फिर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास फोर का हिंदी फर्स्ट चैप्टर थ्री जैसे को तैसा के बारे में आपको बतलाए थे। आप उसको अच्छी तरह पढ़े होंगे, भी जाने भी होंगे। कहीं भी कोई ट्रबल आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं। बच्चों, आज इसका सेकेंड पार्ट बतलाने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एक दिन बहुत सुबह वह समुद्र तट पहुंचा। समुद्र तट का मतलब होता है समुद्र का किनारा, वहां पर जो है वह पहुंचता है। ये जो चैप्टर जो है बच्चों, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि द अरेबियन नाइट्स से उदित है। पूरे समुद्र पर चांदनी फैली हुई थी, मछुआरे ने अपना जाल उठाकर समुद्र की ओर फेंका। मछुआरा जो होता है बच्चों, वो मछली मारने के काम करता है। वो हमेशा दिन रात मेहनत करके जो है समुद्र से मछली मारता है। और ऐसे भी जानिए बच्चों, समुद्र का पानी जो होता है नमकीन होता है, जिस कारण से उसमें बहुत सारे मछली मतलब रहते हैं, निवास करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है, यह सोचकर वह दुगने जोर से जाल उठा खींचने लगा। पर तो जब पूरा जाल तट पर आया तो जाल में कोई मछली नहीं बल्कि एक पुराना पीतल का घड़ा था। वह भारी लगने लगा और वह उसको खींचने लगा और बड़ी खुशी हुआ उसको, क्योंकि बहुत बड़ी आज मछली फंसी है। मछुआरे ने घड़े को अलग उलट पुलट कर देखा, उसे उठाकर जोर से हिलाया, परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई। टक्कर और चिंता का मछुआरे ने अनुमान लगाया कि अवश्य उसके भीतर कोई कीमती वस्तु है। जो बंद था वो घड़ा, तो वो मछुआरे को बुझा कि उसके अंदर में जरूर ही कोई कीमती वस्तु है। उसने अपना चाकू निकाला और चिंता का ढक्कन हटा दिया। फिर मछुआरे ने घड़े को उल्टा किया और उसके भीतर से कुछ नहीं निकला। निराश मछुआरे ने घड़ा अपने सामने रखा और उसे देखने लगा। लेकिन उस घरे से जब कुछ नहीं निकला तो वह उसको जो है बहुत निराश सा अनुभव होने लगा। अचानक उसे लगा कि घरे में से धुएं की एक पतली सी लकीर निकल रही है। देखिए बच्चों, देखते ही देखते वह लकीर इतने घने धुएं में परिवर्तित हो गई कि उसे दो कदम पीछे हट जाना पड़ा। देखिए, धुआं निकला, उससे वो प्रभावित हो गया और उसे दो कदम पीछे हो गया। मगर धुआं निरंतर घरे से निकलता जा रहा था, धुआं निकलना उसमें से बंद नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में घरे का धुआं उड़कर बादलों तक पहुंच गया। इतना धुआं निकला जो बादल तक ऊपर आकाश में पहुंच गया। उसने सारे समुद्र को ढक लिया था। जब घरे से सारा धुआं निकल चुका तो वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। कुछ ही पलों में वह इतना घना हो गया कि उसके आर पार देखना असंभव था, मतलब धुंधला दिखाई लग गया। इतना धुआं निकल गया उस घरे के अंदर से जो कि उसको धुंधला दिखाई देने लगा। कुछ ही पलों में वह इतना घना हो गया कि उसके आर पार दिखना असंभव था। फिर उसे घने धुएं ने एक आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह विशालकाय राक्षस की आकृति ले चुका था। अब वह जो है वहाँ राक्षस का आकृति बन चुका था। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे इसी कहानी के साथ। अब तक के लिए इतना ही।